छात्रों, आज हम कक्षा 12वीं में बही खाता लेखा कर्म विषय के अंतर्गत अध्याय 7 में अंश पूंजी लेखे अध्याय के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे अंशों का हरण। अंशों के हरण से क्या तात्पर्य है या अंशों को जब्त करने से क्या तात्पर्य है, इसको हम जानेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में बताया था कि एक कंपनी जो है अंश की राशि चार भागों में प्राप्त करती है। नंबर एक आवेदन पर, नंबर दो आवंटन पर और नंबर तीन प्रथम याचना और नंबर चार अंतिम याचना। तो एक अंश की राशि जो है कंपनी जो है वो चार भागों में अपने अंशधारी से प्राप्त करती है, आवेदन पर, आवंटन पर, प्रथम याचना पर और अंतिम याचना पर। तो अब यहां बात आती है कि अंशों का हरण से क्या तात्पर्य है। तो जब कंपनी प्रविवरण के अनुसार बाजार में अपने अंश पत्रों का निर्गमन करती है तो आवेदन के माध्यम से जो है अंशधारी उसके पास आवेदन करते हैं और जो आवेदन की राशि है वो कंपनी के पास अंश आवेदन राशि के रूप में प्राप्त हो जाती है। सेकेंड स्टेज में कंपनी प्राप्त आवेदनों में से आवेदकों को अंश आवंटित करती है। यहाँ पर मान लीजिए कंपनी ने 5000 अंश पत्र जारी किए थे और यहाँ पर जो है 5000 पूरे आवेदन आ गए या इसके ज़्यादा 6000 आवेदन आ गए। तो चूंकि कंपनी की लिमिट यहाँ पर 5000 अंशों के आवंटन की है तो कंपनी जो है 5000 अंशों का यहाँ पर आवंटन करेगी और आवंटन की जो राशि है अंशधारी आवेदक अंशधारी जो है समय अनुसार कंपनी के पास जमा कर देगी। ठीक उसी प्रकार से प्रथम याचना और अंतिम याचना की भी जो राशि है वो कंपनी द्वारा मंगाए जाने पर वो जमा कर देगी। अब यहाँ पर जो अंशों के हरण की बात आती है, मान लीजिए एक अंशधारी ने आवेदन की राशि जमा कर दी, आवंटन की राशि जमा कर दी और प्रथम याचना की राशि और अंतिम याचना की राशि मान लीजिए जमा नहीं की, तो इस स्थिति में कंपनी उसके अंशों को हरण कर लेती है, अंशों पत्रों का को जब्त कर लेती है। तो यहां हम देखेंगे कंपनी अपनी अंश पूंजी को एकत्रित करने के लिए जनता से अंश आवेदन पत्र मंगाती है, उसके पश्चात उनको अंश आवंटित करती है, वह सूचना देकर आवंटन राशि मांगती है। अब आवंटन राशि जब प्राप्त होने पर निश्चित समय के बाद याचना राशि की मांग करती है व उन्हें भी निश्चित समय पर जनता को जमा करने की सूचना देती है। अब यहां निश्चित समय पर यदि कोई अंशधारी अंशों पर देय आवंटन राशि या याचना राशि का भुगतान नहीं करता है तो कंपनी ऐसे अंशधारियों के आवंटित अंशों को जब्त कर लेती है, उसे हम अंशों का हरण कहते हैं। तो निश्चित समय पर जब आवेदकों को आवंटन की राशि मंगवाई जाती है और याचना की राशि मंगवाई जाती है और अंश आवेदक जो है समय पर आवंटन की राशि और याचना की राशि को जमा नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में कंपनी ने जिन अंशधारियों के आवेदन पर अंश पत्रों को जारी किया है वो उनको क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है। अब यहाँ पर जो कंपनी ये कार्य किस स्थिति में कर सकती है, कंपनी अंतर नियम में लिखित शर्तों के आधार पर किया जा सकता है। अब ये हरण का जो कार्य है कंपनी के द्वारा, ये कंपनी पार्श्व सीमा नियम के अंतर नियम में उल्लिखित शर्तों के अनुसार पर ही अंशों का हरण कर सकती है या फिर न्यायालय में जो है ये बात प्रस्तुत करके उन अंशधारियों के अंश पत्रों का हरण कर सकती है। अब आगे हम और भी कंडीशन इसमें देखेंगे कि इसकी शर्त है जब अपने अंशधारियों के अंश पत्रों का हरण कर लेती है तब क्या प्रभाव पड़ता है। अंशों के हरण पर कंपनी सदस्यता रजिस्टर से अंशधारी का नाम हटाकर उसकी सदस्यता सदैव के लिए खत्म कर देती है। वह अभी तक जमा अंश राशि को जब्त कर अंशों को निरस्त कर देती है। तो जब किसी अंशधारी के अंशों का हरण किया जाता है तो कंपनी क्या करती है, अपने सदस्यता रजिस्टर से उस अंशधारी का नाम सदस्यता की लिस्ट में से सदैव के लिए क्लोज कर देती, खत्म कर देती है और जितनी राशि उसने आवेदन में या आवंटन में जो जमा की है उसको वो क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है और अंश पत्र को निरस्त कर देती है। तो ये अंशों के हरण का प्रभाव।
अब इसकी प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से अंशों का हरण किया जाता है। तो अंश की रकम जो है वो चार भागों में अलग अलग किस्तों में प्राप्त होती, जो हमने बताया आवेदन आवंटन याचना प्रथम और द्वितीय। यहां पर जो है अंशधारी द्वारा विभिन्न किस्तों की राशि जमा नहीं कराने पर कंपनी उनके अंशों को जब्त कर लेती है। किसी भी अंशधारी के अंशों का हरण करने के पूर्व एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाना होता है, तभी अंशों को जब्त या हरण किया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया है नंबर एक। सबसे पहले क्या करेंगे, कंपनी सचिव द्वारा जिन अंशधारियों ने मांगी गई किस्तों का भुगतान नहीं किया है उनकी सूची तैयार करेंगे, अर्थात ऐसे अंशधारियों के नाम की सूची तैयार की जाएगी जिन्होंने अभी तक आवंटन या फिर याचना की राशि का भुगतान नहीं किया। दूसरी स्थिति आती है, उन नामों को संचालक मंडल की सभा में एक प्रस्ताव के रूप में रखा जाता है कि इन अंशधारियों के द्वारा जो है आवंटन और याचना की राशि अभी तक जमा नहीं की है। जब यह प्रस्ताव संचालक मंडल के सदस्यों के द्वारा पारित हो जाता है तो सचिव कंपनी सेक्रेटरी को आदेश दिया जाता है कि वो उन अंशधारियों को बकाया धनराशि ब्याज सहित जमा करने की सूचना दे। यहां पर सचिव क्या करता है, जिन अंशधारियों ने आवंटन या याचना की राशि जमा नहीं की है उनको प्रॉपरली जो राशि है उसको ब्याज सहित जमा करने की सूचना देता है, और ये सूचना जो है 14 दिन पूर्व भेजी जाती है। ये ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आता है ये बात, पूछी जाता है ये प्रश्न कि अंशधारियों को अंशों का हरण करने के की जो सूचना है वो कितने दिन पूर्व देनी चाहिए, तो 14 दिन पूर्व सूचना देनी चाहिए। तो ये दो स्थितियां ये हो गई कि सबसे पहले ऐसे अंशधारियों की लिस्टों को तैयार करना, उनके नामों को तैयार करना जिन्होंने किस्तों का भुगतान नहीं किया। दूसरा बिंदु जो है प्रस्ताव रखा जाता है और उनको नोटिस सूचना भेजी जाती है। फिर तीसरी स्थिति आती है, बकाया धनराशि के जमा न कराने पर एक और नोटिस या सूचना पत्र भेजा जाता है। ये सेकेंड सूचना पत्र भेजा जाता है दूसरी बार। एक बार 14 दिन पूर्व भेज दिया, फिर दोबारा फिर एक सूचना पत्र 14 दिन के बाद भेजा जाता है। इस सूचना पत्र में ये बात स्पष्ट की जाती है कि बकाया धनराशि ब्याज सहित निर्धारित अवधि में जमा ना कराने की दशा में उनके अंशों का हरण कर लिया जाएगा। तो ये सेकेंड नोटिस जो भेजा जाता है फर्स्ट नोटिस के बाद, इसमें ये लिखा रहता है कि आपको एक मौका पुनः दिया जा रहा है, बाकी धनराशि जो है ब्याज सहित जमा करें अन्यथा आपके अंशों का हरण किया जाएगा। तो ये तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन हो गई, इस सूचना पत्र के बाद भी जब पत्र के बाद भी यदि बकाया राशि प्राप्त नहीं होती तो संचालक मंडल अंशों को जब्त करने का प्रस्ताव पास करते। अब यहां सेकेंड सूचना देने के बाद भी यदि अंशधारियों के द्वारा जो आवंटन या याचना की राशि नहीं दी गई है तो अंशों को जब्त करने का प्रस्ताव पास किया जाता है चौथी स्थिति में। पांचवी कंडीशन जो है, जब प्रस्ताव पारित हो गया तो अंशधारी को अंशों की जब्ती की सूचना दे दी जाती है और कहा जाता है कि वह अंश प्रमाण पत्र को वापस कर दे। पांचवी स्थिति में अंशों के जब्त करने की सूचना जो है अंशधारी को दी जाती है और उनसे वापस अंश प्रमाण पत्र बुलवाया जाता है। तो अंशों के हरण की प्रक्रिया व अंशों को जब्त करने के बाद अंशधारी का नाम सदस्यता के रजिस्टर से हटा दिया जाता है व अंशों के जब्त करने से जब्ती की जो राशि है अंश हरण खाते शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हस्तांतरित कर दी जाती है। सबसे पहले नामों की सूची बनाई जाती है, दूसरी स्थिति में संचालक मंडल के सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है, तीसरे बिंदु में उनको 14 दिन पूर्व जो है नोटिस भेजा जाता है, चौथे बिंदु में जो है सेकंड सूचना पत्र भेजा जाता है, थर्ड पोजीशन में जो है चौथी स्थिति में जो है इसके बाद भी यदि बकाया राशि प्राप्त नहीं होती तो पुनः संचालक मंडल के सदस्यों की सभा में अंशों के जब्त करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है, और पाँचवीं स्थिति में अंशधारी को अंश जब्ती की सूचना दी जाती है और उससे अंश प्रमाण पत्र वापस मंगवाया जाता है। तो यह थी प्रक्रिया अंश के हरण की। अब यहां हम देखेंगे अंशों के हरण पर लेखांकन करने की विधि, जो जनरल प्रविष्टि जो होगी वो किस प्रकार से होगी। अंशों के हरण से कंपनी की अंश पूंजी कम हो जाती है, इसलिए अंश पूंजी खाता उतनी रकम से डेबिट किया जाता है।
जितनी की हरण किए जाने वाले अंशों की रकम पूंजी खाते में क्रेडिट की जाती है और उन याचनाओं की खाती बकाया रकम से क्रेडिट किए जाते हैं। अंश हरण खाते को चिट्ठे में दायित्व पक्ष में चुट्टा पूंजी में जोड़कर दिखाया जाता है जब तक कि वह पुनः निर्गमित नहीं हो जाते। तो यहां पर पहली जो स्थिति है सममूल्य पर निर्गमित किए गए अंशों के हरण के लिए अंश पूंजी खाते को उसे डेबिट किया जाएगा जो राशि अब तक मांगी जा चुकी है तथा आवंटन या याचनाओं के खाते को उस राशि से क्रेडिट किया जाएगा। जो राशि अंशधारियों ने मांगने पर नहीं चुकाई तथा अंश हरण खाते को उस राशि से क्रेडिट किया जाएगा जो अंशधारी द्वारा कंपनी को उन अंशों पर अब तक दी जा चुकी है। तो यहां पर जनरल प्रविष्टि होगी हरण किए गए अंशों की राशि का। तो सबसे पहले वो राशि शेयर कैपिटल अकाउंट में पूंजी खाते में हस्तांतरित हो जाएगी जो टोटल रकम अंशधारी से प्राप्त होनी थी उतने से ये खाता शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से जो बकाया राशि आवंटन पर जो उसने आवंटन पर नहीं चुकाई है, मान लीजिए 1,100 अंश थे उसके 6 रुपये आवंटन पर मान लीजिए मंगाए गए थे तो 100 अंशों का 6 रुपये के हिसाब से जो है आवंटन पर बकाया राशि जो है यहाँ पर दर्ज होगी। अब दूसरी स्थिति जो है शेयर काल फर्स्ट काल सेकेंड काल की जो याचना पर बकाया राशि, याचना पर जो बकाया राशि है वो लिखी जाएगी। तीसरी स्थिति में मान लीजिए अंश आवेदन के रूप में जो उसने राशि जमा की थी जब्ती हरण, तो अंश हरण खाता अब तक प्राप्त राशि से यहां पर जो है जो राशि उसको अंश आवेदन के रूप में या अलॉटमेंट के समय प्राप्त हो गई है उसने फर्स्ट काल सेकेंड काल की नहीं दी है तो यहाँ हम 2 राशि लिख देंगे आवंटन पर बकाया राशि और शेयर कॉल की बकाया राशि और जो राशि प्राप्त हो चुकी है वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में अंश हरण खाते में ट्रांसफर होगी बीइंग शेयर फॉर पेटेड। यहाँ पर जो है अंशों का हरण किया गया तो ये प्रविष्टि जो है अंशों के हरण की स्थिति में होगी शेयर पूंजी खाता डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट टू शेयर कॉल फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल क्रेडिट और तीसरा जो जितने अंशों का जब्त किया गया जो राशि जब्त की गई है टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इससे जुड़ा हुआ एक हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे यहाँ पर जो है एक कंपनी ने 100 रुपये के अंकित मूल्य वाले अंश जारी किए जिन पर प्रार्थना पत्र पर 10 रुपये आवंटन पर 40 रुपये प्राप्त हो चुके परंतु 150 अंशों पर पहली मांग 30 रुपये और दूसरी मांग 20 रुपये प्राप्त नहीं हुई है अर्थात 150 अंशों पर फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल अप्राप्त ये राशि प्राप्त नहीं हुई 30 रुपये और 20 रुपये अंश टोटल है कितने 150 अंश पत्र की राशि कितनी है 100 रुपये। तो यहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट अंश पूंजी खाता 150 × 10 ये जो है यहां पर तो यहां हम देखते हैं कि अंश पूंजी खाते में जो है 100 रुपये प्रति अंश के हिसाब से जो 150 अंशधारी ने जो है राशि यहाँ पर फर्स्ट काल और सेकेंड काल की राशि नहीं दी तो उससे जो टोटल राशि आना चाहिए 150 अंशों के हिसाब से 100 रुपये अंकित वाले प्रति शेयर के हिसाब से 15,000 रुपये ये राशि उसके पास शेयर कैपिटल अकाउंट में आना चाहिए। अब जो राशि नहीं आई टू शेयर फर्स्ट काल अकाउंट 150 × 30 पहली मांग 30 रुपये फर्स्ट काल की जो है राशि यहां पर प्रथम याचना की राशि 30 रुपये के हिसाब से जो है ये अप्राप्त है तो ये 4,500। इसी तरह से शेयर सेकेंड काल की ये 20 रुपये राशि ये भी प्राप्त नहीं हुई तो 150 × 20 ये द्वितीय याचना
ये 3,000 रुपए ये भी अप्राप्त है। अब यहां पर जो जब्त किया गया उसने आवेदन पर 10 रुपए दे दिए थे और आवंटन के 40 रुपए दे चुका था, तो ये 50 रुपए हो गए, जिसमें 10 रुपए ये आवेदन, 40 रुपए आवंटन के ये जो है अंशधारी द्वारा चुकाए गए थे, जो कि कंपनी के द्वारा यहां पर जब्त किए गए। हरण खाता, ये राशि जो है यहां पर आवेदन और आवंटन की राशि जो है 50 रुपए 30 और 20 रुपए के हिसाब से 7,500 रुपए जब्त कर ली। तो विंग शेयर फॉरफिटेड, अर्थात यहां पर जो है अंशधारी द्वारा जो फर्स्ट काल और सेकंड काल की जो राशि उसके द्वारा नहीं दी गई थी, उस आवेदन उस राशि को जो है कंपनी के द्वारा हरण कर लिए गए। तो यहाँ कंपनी के द्वारा जो हरण की गई राशि जो है वो कितनी, 7,500। ये आवंटन की और याचना की, फर्स्ट काल और सेकंड काल की यहाँ पर जो है आवेदन और आवंटन की राशि जो है कंपनी के द्वारा जब्त कर ली गई। तो ये एक प्रकार से जो सवाल से जो है यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से कंपनी जो है अपने अंशों का हरण करती है और उनका लेखा करती है। जब अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए गए हों तब हरण का लेखा जो दो प्रकार से होता है, जब प्रीमियम की राशि प्राप्त ना हुई हो, दूसरा जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी हो। तो पहली स्थिति में जब प्रीमियम की राशि प्राप्त ना हुई हो, तो यहाँ प्रीमियम की राशि यदि प्राप्त नहीं हुई तब अंश पूंजी तथा प्रीमियम खाते को रद्द किया जाएगा, जो कि शेयर कैपिटल अकाउंट और दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, मांगी गई प्रीमियम की राशि, इसको जो क्रेडिट किया जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, आवंटन पर बकाया राशि, टू शेयर कॉल याचना, ये दो हो सकती है, फर्स्ट भी हो सकती है और सेकंड भी हो सकती है। तो ये याचना पर बकाया राशि और जो राशि हमने यहाँ पर जब्त की अभी तक प्राप्त रुपया, ये आवेदन का भी हो सकता है या आवंटन का भी हो सकता है। तो ये जो है जब प्रीमियम की राशि प्राप्त ना हुई हो तो इस स्थिति में जब अंशों का हरण किया जाए। दूसरी स्थिति जो है यहाँ पर कि यदि जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी है तो यहाँ पर जो है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर ऑल अकाउंट और तीसरी जो है यहां पर टू शेयर फोर अकाउंट। तो ये तीसरी स्थिति में जो होगी जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी है तो यहां पर जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो है उसकी एंट्री यहां पर नहीं होगी। तीन प्रविष्टि जो है यहां पर क्रेडिट में होंगी, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर ऑल अकाउंट और टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। तो ये जो है जब अंशों को प्रीमियम पर हम निर्गमित करते हैं इसका रुपए व अंतिम याचना पर थे, ये 4 रुपए जो है फर्स्ट एंड अंतिम याचना पर थे। तो इसमें यहां पर सोहन के पास 200 अंश थे, सोहन के पास उस कंपनी के 200 अंश थे, इसने आवंटन व याचना राशि का भुगतान नहीं किया, अर्थात इसने जो है आवंटन का 12 रुपये और 4 रुपये यहाँ पर याचना का भुगतान नहीं किया। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके पास टोटल अंश थे 200 अंश थे, कीमत जो थी वो 20 रुपये थी, तो यहाँ पर जो आना चाहिए उसको 4,000 रुपये, टोटल 200 अंश थे उसके पास, 20 रुपये टोटल अंकित मूल्य वाले थे, तो ये 4,000 रुपये आए। अब सिक्योरिटी प्रीमियम के 200 अंशों की जो प्रीमियम राशि थी 2 रुपये के हिसाब से, वो आना थी 400 रुपये, तो ये टोटल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट हुआ 4,400 से। अब क्रेडिट होगा टू शेयर फोर फीचर अकाउंट में, जो राशि उसने नहीं जमा की उसके प्रथम और अंतिम याचना पर जो राशि थी, अंशों पर जो आवेदन पर राशि थी 6 रुपये, तो आवेदन की राशि,
आवेदन, आवेदन राशि ये क्या हो गई, जब्त कर ली उसने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, क्योंकि आवेदन की राशि उसने दी थी तो 200 के हिसाब से इंटू 6 ये 1200। अब जो ड्यू थी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के प्रीमियम सहित 12 रुपये, प्रीमियम सहित ये 2400 रुपये, और टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जो है 200 × 4 प्रथम और अंतिम याचना का ये हो चुका 800। इस प्रकार बीइंग फॉर फ्यूचर टू 200 शेयर्स आप सोहन ऑन विच अलॉटमेंट एंड ऑल मनी रिमेन अनपेड, अर्थात 200 अंशों का हरण सोहन के किया गया, जिसने की आवंटन और आपके फर्स्ट कॉल और लास्ट कॉल की राशि उसने यहाँ पर नहीं चुकाया। तो ये जो है यहाँ पर प्रीमियम पर अंशों का जो है निर्गमन का हरण है। अब इससे अभ्यास से प्रश्न, अंशों के हरण से आशय पर हरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, अंशों के हरण की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझाइए, साथ ही सममूल्य पर निर्गमित अंशों के हरण को समझाइए, प्रीमियम पर निर्गमित अंशों के हरण के प्रभाव को समझाइए।